Welcome to Ascent Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. Hello students, अब आई नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. अब सेवन नंबर क्वेश्चंस में देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है. राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वन आयोडो ब्यूटेन. आपको बनाना है वन आयोडो ब्यूटेन फ्रॉम वन ब्यूटेनॉल, वन क्लोरो ब्यूटेन एंड वन ब्यूटेन. देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन. ये सारा कंसेप्ट जो है एक रिएक्शन पर है और इस रिएक्शन में यहाँ पर फिनक्लिस्टिन रिएक्शन पढ़ा था आपने. देखिए पहले इसके बेसिक कंसेप्ट क्या है, किस पर बनेगा. एक रिएक्शन इसमें है, इसमें इस रिएक्शन में फिनक्लिस्टिन रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज मेथड्स फिनक्लिस्टिन रिएक्शन. फिनक्लिस्टिन रिएक्शन में क्या था ना, इसमें आप आयोडाइड में कन्वर्ट करते हैं. हेलोजन एक्सचेंज मेथड्स रिएक्शन इस तरह से था, आर सी एल एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड को आप रिएक्शन करते हैं सोडियम आयोडाइड NI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. तो ये एक्सचेंज हो गया. क्लोरीन का एक्सचेंज किसके द्वारा, आयोडीन के द्वारा. यहाँ से NaCl निकल गया और आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, RI एल्काइल आयोडाइड प्लस NaCl. ठीक है, देखिए क्या हो रहा है. हेलोजन एक्सचेंज मेथड्स में दो रिएक्शन आता था, एक स्वार्ट्स रिएक्शन आता है, एक फिनक्लिस्टिन रिएक्शन आता है. फिनक्लिस्टिन रिएक्शन में आयोडाइड में कन्वर्ट किया जाता है कोलाइड को आयोडाइड में. तो आपका देखिए पर्पस क्या है, सारे रिएक्शन में हमको क्या बनना है, वन आयोडो ब्यूटेन मतलब यही लेना है आयोडो फॉर्म. तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, फिनक्लिस्टिन रिएक्शन. तो आपको हमेशा सारे कंपाउंड को बदल देना है क्या में, क्लोराइड के फॉर्म में. एंड क्लोराइड के फॉर्म में ले आएंगे तो आयोडाइड के फॉर्म में बदल जाएगा. तो चलिए पहले सेकेंड नंबर करता हूँ तो ज़्यादा आसान आपको बुझाएगा. चलिए सेकेंड नंबर देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, डायरेक्ट यूज हो जाएगा रिएक्शन का. वन क्लोरोब्यूटेन से वन आयोडोब्यूटेन. चलिए लिखिए देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, वन क्लोरोब्यूटेन CH2 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 Cr. वन क्लोरोब्यूटेन, वन क्लोरोब्यूटेन को आपको बनाना क्या चीज में है, वन आयोडोब्यूटेन CH3 CH2 CH2. एक मिनट इस रिएक्शन को मैं थोड़ा पीछे कर लूं. ठीक है, CH2 I. देखिए यही रिएक्शन था. अब यहां पर बताइए वन क्लोरोब्यूटेन से वन आयोडोब्यूटेन बनाना है तो क्या करना है, इस क्लोरीन के जगह पर आयोडीन लाना है. हेलोजन एक्सचेंज मेथड फिनक्लिस्टिन रिएक्शन, इसको रिएक्शन कर देंगे हम सोडियम आयोडाइड NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. तो देखिए यहां से क्या NaCl निकल गया, NaCl हो गया, बन गया, डायरेक्ट यूज हो गया फिनक्लिस्टिन रिएक्शन का. उसी तरह से अब फर्स्ट बनाइए क्या लिखे, वन ब्यूटेनॉल. चलिए लिखिए वन ब्यूटेनॉल. देखिए बस इसी रिएक्शन का यूज करके सब बनेगा, इसी पर ये बेस्ट है. CH3 CH2 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 OH वन ब्यूटेनॉल. और आपको खुद सोचिए हमको ये आयोडाइड में बदलना है तो पहले क्या चाहिए, क्लोराइड मिलाना होगा. मीन्स इस अल्कोहल के जगह पर क्या लाना है, Cl. अगर क्लोराइड में बदल देते हैं तो फिर तो बना हुआ है ही आपको. तो इसको पहले क्या करेंगे आप, OH के जगह पर हमको Cl लाने के लिए आप इसको रिएक्शन कर दीजिए HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लुकास रिएजेंट एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड. तो क्या OH के जगह पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा. तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा इस कंडीशन में, देखिए मैं इधर लिख देता हूं नीचे, इस प्रोडक्ट को
ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा क्लोराइड में ब्यूटाइल क्लोराइड CH3 CH2 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 Cl, ब्यूटाइल क्लोराइड प्लस H2O, ठीक है। और ये ब्यूटाइल क्लोराइड से आयोडाइड में तो कन्वर्ट कर चुके हैं, और बाकी फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, Ni के साथ रिएक्शन कर दीजिए और फिर यही रिएक्शन आ जाएगा। ये खुद आप कर सकते हैं, इसके आगे का स्टेप फर्स्ट स्टेप में जोड़ देंगे। फिर यहाँ पर रिएक्शन आप किसके साथ कर देंगे, सेम इस रिएक्शन को, और आगे NaI फिनक्लिस्टिन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका फाइनली CH3 CH2 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 I प्लस NaCl ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है। दो स्टेप में यहाँ बनेगा, ठीक है। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में क्या, वन ब्यूटीन आ जाइए। ये और भी सिंपल है, वन ब्यूटीन के केस में देखिए, वन ब्यूटीन के केस में देखिए, अब आपको यहां पर वन ब्यूटीन से कन्वर्ट करना है। लिखिए पहले CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए अब वन ब्यूटीन ध्यान दीजिएगा, इस वन ब्यूटीन को पहले कन्वर्ट कर लेना होगा हमको वन ब्रोमो ब्यूटेन में, ठीक है। तो वन ब्रोमो ब्यूटेन हम कैसे ला सकते हैं इसके लिए, चलिए रिएक्शन देखिए, इसको आप पहले रिएक्शन कर दीजिए। देखिए मेरा टारगेट क्या है, और टारगेट हमेशा ही रहना चाहिए कि क्लोराइड के रूप में हमको कन्वर्ट करना है कोई भी हेलोजन, कैसा नहीं कि आपका क्लोराइड ब्रोमाइड भी रहेगा तो यहाँ NaI के साथ करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, मैंने कोई भी हेलोजन होना चाहिए। जैसे ये लिखा था ना, ये NaCl, तो Cl के जगह पर यहाँ पर क्लोराइड ब्रोमाइड कुछ भी हो सकता है, ये Cl के जगह पर यहाँ पर ब्रोमाइड भी हो सकता है, तो प्रोडक्ट आयोडाइड में ही बदलेगा। तो चलिए यहाँ पर ऐसा करिए, इसको HBr के साथ रिएक्शन करिए पहले, HBr देखिए, तो मार्कोनी कैप्सूल हमको ब्रोमीन को लाना है कहाँ, वन पर लाएंगे तब ना हेलोजन एक्सचेंज मेथड से वन पर आयोडीन आएगा, तो बताइए तो हाइड्रोजन कहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये दोनों कार्बन में एडिशन तो ही पर होगा, H का एडिशन यहाँ होगा, Br यहाँ टू पर आ रहा है, इसका मतलब किसके प्रेजेंस में, एंटी मार्कोनी कैप्सूल पेरोक्साइड करेंगे, पेरोक्साइड यूज करेंगे तब हाइड्रोजन कहाँ पर ऐड होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा और Br फर्स्ट कार्बन पर होगा, मतलब यहाँ जो एडिशन होगा ये पॉजिटिव पार्ट का इस कार्बन पर हो जाएगा, एंड ब्रोमीन तो फर्स्ट पर आ जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा इस कंडीशन में, यहाँ प्रोडक्ट आपका हो जाएगा CH3 CH2 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 Br, वन ब्रोमो ब्यूटेन। अब हेलोजन एक्सचेंज मेथड लगा दीजिए, CH3 CH2 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 Br, और यहाँ पर रिएक्शन कर दीजिए आप सोडियम आयोडाइड NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, हेलोजन एक्शन मेथड्स CH2 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 I प्लस NaBr सोडियम ब्रोमाइड, देखिए वन आयोडोब्यूटेन। तो ये तीनों रिएक्शन में जो भी यहाँ पर आपने बनाया, ये तीनों रिएक्शन का बस एक ही कंसेप्ट था, हेलोजन एक्सचेंज मेथड्स, एंड हेलोजन एक्सचेंज मेथड्स में फिनक्लिस्टिन रिएक्शन का यूज किया गया, जिसको एल्काइल हैलाइड को यहाँ पर एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट किया गया, और एल्काइल हैलाइड में क्लोराइड ब्रोमाइड इसको कन्वर्ट कर लिया गया आयोडाइड के फॉर्म में इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड एंड एसीटोन, इसी रिएक्शन का यूज कर ये तीनों रिएक्शन को बनाया गया, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट इसको खुद आप प्रैक्टिस करेंगे और खुद अपने से लिखेंगे, जब तक खुद अपने से कलम कॉपी लेके साथ नहीं बैठेंगे, अलग से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये आपको डिफिकल्ट बुझाएगा, इसलिए हमेशा आप वीडियो को पॉज कर
खुद से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।